I'm your host, DM Namanali, and you're listening to Meet with Jins. आज का वाकया जेहलम से अरसाल करते हैं नामिक जमाल साहब. नामिक जमाल साहब अपना वाकया गोशे गुजार करते हुए अपने ऊपर बीती आबीती में फरमाते हैं कि ये वाकया मेरे साथ 1996 में पेश आया रेलवे लाइंस के नज़दीक रेलवे क्वार्टर्स में. वो बताते हैं कि ये मौसम सर्मा के दिन थे, यख बस्ता सर्दी थी और मेरा ताल्लुक अटक के एक नवाही इलाके से है और मेरे तमाम जो घर वाले हैं वो उधर ही नवाही इलाके में, हमारा अपना जाती मकान है जहां पर वो मुकीम है. वो बताते हैं कि मुझे जो है वो जेहलम में मेरी पोस्टिंग हुई और रेलवे वालों की तरफ से मुझको एक क्वार्टर भी अलाट किया गया. ये अरसा तकरीबन 4 साल हुए थे मुझे मुलाजमत करते हुए, तो 4 साल के अरसे में कभी कुछ इस तरह का वाकया या किसी गैर मरई चीज से मेरा टकराव नहीं हुआ. अरसा ही 4 साल बाद ये एक सर्द तरीन रात थी, ना आसमान पर चांद निकला था, बिल्कुल अंधेरा था. आप हिंदी जबान में इसको अमावस की रात भी कह सकते, स्या काली रात और सख्त सर्दी. वो बताते हैं कि रात की आमद से ही मतला अबर आलूद था और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी. मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं रावलपिंडी से जो लाहौर और कराची के लिए गाड़ी चलती है, रेल की पटरियों पर कांटा तब्दीली की नौकरी पर मामूर था और अपनी मुलाजमत और ड्यूटी पूरी करने के बाद रजिस्टर में इंदराज करने और दूसरे कराची और लाहौर हेडक्वार्टर खैर आफियत की वहां इतला बचाने के बाद मैं वापस रेलवे क्वार्टर में अपना वापस आ जाते थे. मुलाजमत करने के बाद ड्यूटी टाइमिंग ऑफ हो जाती थी. तो ये एक सर्द तरीन रात थी जिसमें हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी. जब हम रेलवे लाइंस में दाखिल होते थे तो इब्तदा में ही एक नाकाफी बल्ब था जो रोशनी के लिए बिल्कुल नाकाफी था. पीले रंग की मतकूक रोशनी का एक बल्ब था जो कि रेलवे लाइन क्वार्टर्स के शुरू के इब्तदाई जो हिस्सा था वहां पर नस्ब था. वो बताते हैं कि रेलवे लाइन से चलते चलते जब मैं क्वार्टर्स की हदूद में दाखिल हुआ तो मैं क्या देखता हूं कि एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स है जो सख्त सर्दी में लंगोड़ बांधे और एक बनियान में और उसके बिल्कुल टांगों के साथ एक कपड़ों की गठरी धरी है और उस पीली मतकूक रोशनी में एक शख्स खड़ा है. जब मैं इसके पास से गुजरा तो उसने कहा कि बाबूजी मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए, ये गठरी है जिसमें मेरे कपड़े और कुछ सामान है, तो मुसाफिर हूं और फलाने फलाने साहब से मिलने आया हूं. तो रेलवे क्वार्टर्स में जो सबसे आखिरी मकान है वो उन साहब का है, तो ये गठरी जो है वो आप मेहरबानी करें और उठा के वहां तक पहुंचा दें.
बताते हैं कि गठरी उठा ली हाथ में और पूछा कि जनाब आप कहां से तशरीफ लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ठट्टा कराची से तशरीफ लाया हूं और अब मुझको वापस वहीं जाना है। सोचा कि एक जान पहचान वाले शख्स हैं जो यहाँ रेलवे लाइन में रहते हैं, तो आया हूँ इतनी दूर से तो उनसे सलाम दुआ भी हो जाएगी और रात कयाम भी कर लूँगा, तो फिर सुबह जो है वो यहीं से रेलवे जंक्शन से कराची के लिए तशरीफ ले जाऊँ। तो चलते चलते ज्यों ही रोशनी का सिलसिला ख़त्म हुआ तो रेलवे लाइंस में आगे की ओर अंधेरा था। तो ज्यों ही अंधेरा आया तो इन साहब ने कहा कि बेटा मेरी कुछ बेनाई भी ठीक नहीं इस उम्र में, तो मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ के अंधेरे के पास गिर ना जाऊं। तो मैंने कहा जी बुजुर्गवार आप पकड़ लीजिए। तो इस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा तो आप यकीन मानिए कि उसका हाथ यख बस्ता सर्दी में इस कदर ठंडा था कि जैसे मैंने हाथ नहीं कोई बर्फ की सिल जो है उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। इस कदर ठंडा यख हाथ, मैंने बुजुर्गवार से कहा तो उन्होंने एक कहका लगाया और कहका भी इस कदर हैबतनाक था कि बड़े से बड़ा दिल जिगर रखने वाले का भी कलेजा कांप जाए। बड़ी ही गैर इंसानी आवाज थी जिसमें उसने कहका लगाया। तो मैंने उससे कहा कि आप हाथ ना पकड़िए, आप मेरी कमीज पकड़ लीजिए, क्योंकि एक तो सर्दी है ऊपर से हल्की हल्की बूंदा बांदी भी हो चुकी है। इसकी बाबत उस शख्स ने कुछ भी नहीं बताया और बस एक धीमा सा कहका लगाया और ये कहा कि मुझको सर्दी नहीं लगती साहब। मैं बहुत हैरान हुआ कि मैं तो सर्दी से ठिठर रहा हूँ और ये तो एक बुजुर्गवार शख्स है और इसको इतनी यकबस्ता सर्दी में भी सर्दी नहीं लग रही। तो बताते हैं बहरहाल हैरान परेशान गठरी सर पर उठाए, मजीद अंधेरे की तरफ पड़े हैं तो गठरी जो सर पर कपड़े की उठा रखी थी इसका वजन यकदम बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते इस कदर वजन हो गया कि बिल्कुल उठाने के जो है वो लायक ना रहा वजन। वो बताते हैं कि चंद लम्हे पहले जो हल्के वजन की कपड़ों की गठरी थी वो अचानक से मनो वजन भारी हो गई और मानो के इस कदर भारी हो गई कि मुझे अपने गर्दन की हड्डी पर इस कदर बोझ महसूस हुआ कि अगर एकदम मैं उस गठरी को नीचे ना रख देता तो मेरी गर्दन की हड्डी भी टूट सकती थी। वो बताते हैं कि इस गठरी को मैंने नीचे रखा और पलट कर ये कहा कि बुजुर्गवार ये क्या माजरा है कि गठरी इतनी मनोवजनी हो गई। बताते हैं कि जब इर्द गिर्द देखा तो कोई शख्स नजर ना आए, न बंदा और न बंदे की जात। सर्दी के बाद धुंध भी थी, कहीं किसी शख्स का वजूद नजर ना आए। एक बल्ब जो था वो क्वार्टर्स लाइन के शुरू होने के इब्तदाई
हिस्से पर एक बोल में बल्ब था और एक इख्तिताम पर था, बिल्कुल हूबहू एक जैसा पीला रोशनी का मतकूब बल्ब, जो आखिरी सिरे पर रेलवे लाइन क्वार्टर्स जो खत्म होते थे। तो बताते हैं कि क्या देखता हूं कि वो शख्स जो है दूर मुझे खड़ा दिखाई दे रहा है उस बिजली के पोल के नीचे, और वहीं से बोलकर वो कहता है, नाविक जमाल रुक क्यों गए, अब तुमने मेरी गठरी उठाई है तो इस इख्तितामी हिस्से तक भी तुम्हें चलकर आना होगा। वो बताते हैं कि मैंने गौर किया कि ये शख्स जो है वो पलक के झपकने में इस कदर फासला किस तरह तय कर सकता, कि अभी तो ये मेरे पीछे पीछे चल रहा था और इसका ये उजर था कि बेनाई भी मेरी थोड़ी खराब है जिसके बाद अंधेरे में मुझे दुश्वारी है, तो अब ये अचानक से इतना मीलों का फासला इसने किस तरह तय कर लिया। फिर मुझसे 2-3 मील आगे जो है वो शख्स नजर आ रहा है। बताते हैं कि अभी इसी बात पर गौर फिक्र कर ही रहा था तो अचानक से देखता हूं कि उस शख्स का कद बुलंद होता जा रहा है और जो बिजली का पोल लगा है उस पोल जितना वो शख्स कद्दावर हो चुका है, और वहीं से हाँक लगाकर मुझको कहता है कि नाविक जमाल मेरी गठरी मुझको वापस देकर जाओ, अब ये जिम्मेदारी तुमने उठाई है तो ये गठरी तुम ही यहां तक पहुंचाओ। वो बताते हैं कि मैं ये तमाम मंजर देखकर इस कदर खौफजदा हुआ कि सर पर दौड़ लगाई और अपने क्वार्टर में लपक कर जल्दी से दरवाजा बंद किया और एक लिहाफ अपने ऊपर उड़ा और आयतल कुर्सी बुलंद आवाज से विद शुरू कर दिया, और डर और खौफ से इस कदर पसीना तारी हो जिस्म पर कि तमाम जिस्म तितर बितर हो गया और तमाम लिहाफ भी गीला मालूम। बताते हैं कि बस इसी तरह अल्लाह का नाम और विद करते करते कब आंख लग गई कुछ मालूम ना हुआ। सुबह जब दरवाजा किसी ने धड़धड़ाया तो मालूम हुआ कि रेलवे जंक्शन से ही कुछ मेरी तरह के मुलाजिम लोग हैं जो दरवाजे पर खड़े हैं और दरवाजा धड़धड़ा रहे हैं। जब दरवाजा खोला तो उन्होंने ये कहा कि हम कब से दरवाजा धड़धड़ा रहे हैं और तुम आज सुबह अपनी मुलाजमत पर भी नहीं आए, तो बड़े अफसरों ने हमें तुम्हारी ओर भेजा कि देख कर आए कि तुम बाखैर वाफियत हो, कहीं सर्दी के बाद कोई बुखार वगैरह तो नहीं हो गया कि तुम अपनी मुलाजमत पर भी नहीं आ सके। वो बताते हैं कि जब मैं बाहर गया और मैंने पूछा कि आप हजरात कब से खड़े हैं तो उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 10-15 मिनट से खड़े हैं और अगर अभी तुम दरवाजा ना खोलते तो परेशानी के बाद हम दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। वो बताते हैं कि मैंने किसी से भी इस वाकये का जिक्र नहीं किया और दिल में ख्याल आया कि डर और खौफ और दहशत की वजह से रात में बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से मुलाजमत के औकात में कभी मेरी आंख आज तक के 4.5 साल मुलाजमत के अरसे में कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि मैं वक्त से पहले ना उठाऊं, तो यही गुमान हुआ कि मैं रात को दहशत की वजह से बेहोश हो गया था और जब दुनिया और माफिया से बेखबर ही हो गया था तो मुझे होश किस तरह आता। ये होश मुझे उनके दरवाजा धड़धड़ाने पर आया और ये खौफनाक वाकया आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दहशत और खौफ मेरे पूरे वजूद में सराहियत कर जाता है। ये वो वाकया था जो जेलम से हमें नामिक जमाल साहब ने अरसाल किया। इसी तरह के मजीद वाकयात
सुनने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आपके साथ भी कोई वाक्या पेश आया है तो उसको जरूर शेयर कीजिए। इजाजत दीजिए अपने होस्ट DM नुमान अली को। सुनते रहिए मीट वेट जेंस। अल्लाह हाफिज़।